किसानों के भारी आक्रोश के बाद बैकफुट पर कांग्रेस सरकार, किसानों की जमीन को हड़पने की वक्फ बोर्ड और कांग्रेस की साजिश हुई फेल। कर्नाटका में किसानों की जमीन नहीं लेगी वक्फ बोर्ड। बीजेपी का हमला, कहा कि यूटर्न वाली पार्टी है कांग्रेस। कर्नाटका की कांग्रेस की अगुवाई वाली सिद्धरमैया सरकार आखिरकार किसानों के भारी आक्रोश के बाद झुक गई है, बैकफुट पर आ गई है। अब सरकार ने फैसला वापस ले लिया है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा क्लेम की गई किसानों की 1500 एकड़ जमीन को नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि यहां पर सरकार ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा किसानों की 1500 एकड़ जमीन पर मनमाने तरीके से अपना दावा ठोकने के बाद जारी किए गए नोटिस को वापस ले लिया जाएगा। दरअसल अब इसके बाद पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी हमलावर हो चुकी है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आई है और अब किसानों की जमीनें को वापस नहीं लिया जाएगा, तो इस चीज को लेकर के बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला भी बोला है। आपको बता दें कि पिछले दिनों यह खबर सामने आई थी कि कर्नाटका के विजयपुर गांव में 1500 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने मनमाने तरीके से अपना दाव ठोक दिया था, जिसके बाद किसान जो है वो तेजस्वी सूर्या के पास जाते हैं जो कि बीजेपी के एमपी हैं, और उसके बाद यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ दिखाई देता है। जब कांग्रेस और वक्फ बोर्ड का यह बड़ा घोटाला बेनकाब होता है तो अब कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है और उनका यह कहना है कि किसानों की जमीनों को नहीं लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ लोगों के विरोध के बाद विजयपुर जिले के डिप्टी कमिश्नर ने सरकार की ओर से इशारा मिलने के बाद किसानों को आश्वस्त किया है कि किसानों की जमीनों को वक्फ बोर्ड को सौंपने की कोई योजना नहीं है। वहीं कर्नाटका के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने भी घोषणा की है कि विजयपुरा जिले के किसानों को भेजे गए नोटिस वापस ले लिए जाएंगे। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कांग्रेस को यूटर्न वाली पार्टी भी बता दिया है। सुनिए शहजाद पुनावाला का ये बयान। जस्ट नाउ मिस्टर सिद्धरमैया हैज फाइनली ब्रोकन हिज साइलेंस एंड एडमिटेड दैट यस द वक्फ नोटिसेस वर सेंड टू द फार्मर्स ऑफ विजयपुरा एंड नाउ ही इज गिविंग सम सॉर्ट ऑफ अश्योरेंस आफ्टर डूइंग अ यूटर्न सेइंग दैट नो लैंड्स ऑफ फार्मर्स विल बी टेकन। बट सिद्धरमैया जी, हाउ डू वी बिलीव यू? यू आर द सेम पर्सन हु सेड नो स्कैम इन मूडा, then your wife was returning the Muda land. Khadge ji said no scam in aerospace park, he was returning the land of aerospace park. Doing U-turn is becoming the habit of Karnataka government. But question is that your malified intentions of grabbing the land of farmers and pocketing it either for your own use or for the use of vote bank has been caught out. Zameer Ahmed was directing and putting pressure on the local officials. Video of October 7th is there. Notices are there. We have also seen the mutations which have taken place in 44 cases. Documents are there. Now in all these cases, you must not only sack Mr. Zameer, you must take personal responsibility. And Congress must tell us, is this the reason why they were opposing amendment to Vakf Act? Because they want to grab the land of farmers and give it to vote bank. This is vindication for BJP that BJP caught them in the act. But this is the mindset of Congress. It is an anti-farmer party. वहीं दूसरी ओर कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि विजयपुर में किसी भी किसान की कोई जमीन नहीं ली जाएगी। रेवेन्यू मिनिस्टर मत्ते एमबी पाटील अवरु विजापुर जिला मंत्री मत्ते वक्फ मिनिस्टर जमीर अहमद अवरु अवरु मूरु जन जंटियागि माडिदारे। ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೈತರನ್ನು ಕೂಡ ಒಕ್ಲಿಪ್ಸಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರೈತರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅದ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೈತರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಲಿಪ್ಸಲ್ಲ. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಮಿಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು 3 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್
ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದವೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜರ್ಜು ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಈಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋ ಅಷ್ಟೇ 3 ತಿಂಗಳಲ್ವಾ 3 ತಿಂಗಳು ಈಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶುರುವಾಗಿದವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ತಿಳಿಸಲ್ಲ ಯಾವ ಇನ್ನೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ್ರ दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटका के मंत्री पाटिल का कहना है कि जो भी गलतियां हुई है उन्हें ध्यान में रखते हुए जारी किए गए नोटिस को वापस लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशासन को इस मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं कि इस तरीके की गलती क्यों हुई है और इस जांच के बाद आगे का फैसला भी लिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस सरकार के मंत्री ने कहा है कि जिन किसानों को नोटिस जारी किया गया था उनकी जमीनों को वापस करने की प्रक्रिया में कुछ वक्त लग सकता है। अब इस बीच एक और जानकारी सामने आई है कि इस मामले में वक्फ की भूमिका संदिग्ध है। कहा जा रहा है कि किसानों की जमीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड में रातों रात वक्फ का नाम जोड़ने का काम हुआ है, वरना पहले के रिकॉर्ड में यह नाम था ही नहीं। दरअसल दस्तावेजों में छेड़छाड़ की बात का खुलासा CNN ने अपनी रिपोर्ट में किया है। उनके अलावा इस मामले की जानकारी BJP IT सेल के हेड अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया साइट पर अपने पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने कई सारे यहां पर डॉक्यूमेंट शेयर किए और इस बात की डिटेल में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 हफ्तों में 44 संपत्तियों के भूमि अभिलेखों में वक्फ बोर्ड का नाम शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव रातों रात हुआ है और इसके लिए RTC यानी कि अधिकारों का रिकॉर्ड, किराएदारी और फसलों का रिकॉर्ड में म्यूटेशन किया गया है। इस प्रक्रिया में किसानों को कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिससे वे काफी ज्यादा हैरान हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा जो मामला है वो कुछ यूं है कि कर्नाटक के विजयपुर जिले के टिकोता तालुका स्थित होनवाड़ा गांव में करीब 41 किसानों को हाल ही में वक्फ बोर्ड की ओर से एक नोटिस भेजा जाता है, जिसमें ये दावा किया गया कि उनकी 1500 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। किसानों को नोटिस भेजे गए जिनमें कहा गया था कि ये जमीन शाह अमीन दीन दरगाह के अधीन आती है और वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित की गई है। हालांकि किसानों का कहना है कि उनके गांव में इस नाम की कोई दरगाह भी मौजूद नहीं है और ये जमीन उनके पारिवारिक पुश्तैनी संपत्ति है। बहरहाल इस घटना के बाद लोगों ने जमकर इसका विरोध किया और कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बकायदा इस पूरे मामले को लेकर के जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इसमें BJP का भी भरपूर साथ उन्हें मिला और BJP की जो MP हैं तेजस्वी सूर्या उन्होंने भी किसानों के मामले को मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने रखा, जिसके बाद कांग्रेस को लेकर के चीजें सामने आई कि कैसे कांग्रेस वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर के गरीब किसानों की पुश्तैनी जो 1500 एकड़ जमीन है उसको कब्जाने का किस तरीके से षड्यंत्र रच रही थी और ये जब साजिश पूरी तरीके से फेल हो गया तो अब कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार बैकफुट पर आ चुकी है और उन्होंने ये कह दिया है कि वो किसानों की कोई भी जमीन नहीं लेने वाली है और जो भी दस्तावेज है उसको चेक करके किसानों की जमीन को वापस दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि जब इस तरीके के नोटिस वक्फ बोर्ड की ओर से दिया गया था तो बकायदा जो सिद्धरमैया सरकार है वो किसानों की जमीनों को खाली करवाने तक भी पहुंच गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।